Welcome to another episode of Comedy Adda Season 2, brought to you by ARY Digital and Himani Herbal. Hamare saath aaj hain Shakeel Siddiqui. सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगा हमारे इंप्रोवाइजेशनल प्लेयर्स का रेसी देसीज। तो बुलाते हैं हमारे खास मेहमान को जो इनको ज्वाइन करेंगे और इंप्रोवाइजेशनल कॉमेडी करेंगे बहुत सारी मोहब्बत में शकील सिद्दीकी। अरे रुश्दी तुम्हें क्या हो गया? मेकअप पहन लिया। अरे तुम बोलने भी लगे। रुश्दी कहाँ है? जी वो एक यहाँ रख के गया था मैं। कहाँ रख गया? कहाँ है वो? उसको बल्दिया वाले उठा के ले गए। अच्छा इसका नाम सलमान, उसका नाम रुश्दी। तो ये अजीब सा नाम होता है जी। तो अंदर जब भी अनाउंसमेंट क्या करो ना रुश्दी का नाम पहले लिया करो, सलमान का बाद में, ताकि ये नाम ही निकल जाए, कंफ्यूज ही नहीं रहा है। रुश्दी सलमान, सलमान रुश्दी सब बहुत ही गलीज आदमी का नाम आता है। प्लीज आप नोट कर लें। मैं कर लेता हूं। रुश्दी और सलमान करके बुलाया करो पूरे। क्या ख्याल है आपका? आपका नाम क्या है आज? मेरा अलीना। अलीना जी कभी अलीना भी पूछ लें उसने क्या मतलब कम पैसे। अलीना कभी ना। अच्छा तुम क्यों यहाँ बैठे हुए? क्या नाम है तुम्हारा? इसका भी नाम बदल नहीं रख लो, मूसा मामा। अच्छा नाम है बहुत। जी जी। और मैंने वो सारे काम भी छोड़ दिए मेरे। बस बस मेरे साथ बैठ के ये बातें नहीं करनी, वो काम छोड़ दिए। ठीक है जनाब, शुरू करते हैं हमारा इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी का एपिसोड जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। एंड द पॉइंट्स डोंट मैटर, पॉइंट्स आर लाइक शौहर की इज्जत घर में, जस्ट डजंट मैटर। शौहर से याद आया जी। देखिए हर मुसीबत के वक्त में मर्दों के लिए है ये, आपके हर मुसीबत के वक्त में आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार आपके पीछे खड़े होते हैं। सही है? अगर किसी को यकीन नहीं है तो अपनी शादी की तस्वीर निकाल के देख लें। और लगता है आपको कि आपके ज़िंदगी में कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है तो किसी कमर्शियल टॉयलेट में जाके आधे घंटे के लिए बैठ जाएं। जब बाहर निकलेगा आपके इंतजार में एक लंबी लाइन लगी होगी और वो गालियां बक रहे होंगे, बस ये मसला है। चलो जनाब गेम शुरू करते हैं। पहली गेम हम खेलेंगे जिसका नाम है स्लो मोशन स्पोर्ट्स कमेंट्री। ये चारों प्लेयर्स के लिए, सलमान और शकील भाई जो है वो स्पोर्ट्स की कॉमेंट्री करेंगे जस्ट लाइक अ कॉमेंटेटर स्टाइल, और ओसामा और अलीना जो है वो स्लो मोशन में उस खेल को खेलेंगे। ठीक है? अच्छा, तो स्लो मोशन में खेलूंगे मगर आपने कॉमेंट्री करनी है फास्ट फास्ट इन लाइफ टाइम। तो ऑडियंस फास्ट के समझ में आएंगे भी? नहीं नॉर्मल, जैसे टेप रिकॉर्डर कैसेट चबा जाता है उस तरह वैसे नॉर्मल प्रॉपर प्रॉपर। आइए तालियां बजाइए शकील सिद्दीकी और सलमान और ओसामा और अलीना के लिए। अच्छा ऑडियंस से हम लेंगे एक ये समझ नहीं आया, पहले सोफा था फिर पीछे बैठाया फिर आगे, आस्ते आस्ते हम आगे निकल गए। ये चैनल वाले वक्तन फवक्तन हमारा बजट काट रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो ऑडियंस बताएंगे कोई अच्छा सा मंडेन सा एवरीडे एक्शन। कपड़े धोना। सही, कपड़े धोना जनाब। सो ये हो रहा है वर्ल्ड कप कपड़े धोने का फाइनल। हमारे दो प्लेयर्स हमारे सामने, एक तरफ है अलीना दूसरी तरफ है ओसामा, और कॉमेंट्रीज की देंगे सलमान और शकील। टेक इट अवे। जब ये गेम मुझे लगेगा हद से ज्यादा बढ़ चुका है मैं करूंगा, विच मीन्स दैट द गेम शुड एंड। अच्छा, असल में तुम प्यून हो जी। पूरे सीजन के बाद जाके अब किसी ने सही से पहचाना है। आपकी तालियों में गेम शुरू करता है स्लो मोशन स्पोर्ट्स कमेंट्री। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, वेलकम। कपड़े धोने के वर्ल्ड चैम्पियनशिप के फाइनल में मेरे साथ शकील भाई हैं आज, और बड़ा खुफिया मैच देखने आए हैं। आप खुद भी इसके चैम्पियन रह चुके हैं, तो आपका क्या ख्याल है? ये कपड़े कम धो रहा है ये, अल्लाह माफ करे, बीवी सही है, मियाँ जो है ना सुस्त है। जी जैसा हर घर का नलके में पानी नहीं आ रहा, नाज़रीन नलके में पानी नहीं आ रहा, अभी आदमी जाके नलके के नीचे लेट जाएगा और हवा लेके सो जाएगा। ये मतलब
और ये कपड़ा धो रहा है, ये बीवी का करारा हाथ में आ गया और देख रहा है ये है कैसा, ये तो मैंने ला के दिया, ये कौन ला के दे गया मेरी बीवी को। अब बीवी पे शक की नज़र से देख रहा है, शक की नज़र से देख रहा है कि करारा कहाँ से आया, करारा तो मेरा था ही नहीं, ये तुम कहाँ से लाई। और ये बीवी कह रही है तो ठीक है करारा, ये बनियान किसकी है, बनियान इसकी नहीं है, बनियान किसी और आदमी की धो रही है वो, और ये करारा किसी और का धो रहा है। तो ये दोनों अलग अलग कपड़े धो रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, इंशाल्लाह तलाक होगी। शकील भाई आपको आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस वक्त? लड़की जो खड़ी है उसके बाल ऐसा लग रहे हैं किसी घोड़े की दुम है पीछे, और ये जो आदमी है ये उकताहट है में है और माशाल्लाह से बहुत ही उकताहट में है, छीन छीन के धो रहा है, और इसके बाद इसकी बीवी इसको कमरे लगा के ठीक ठाक धोएगी। ये यहीं धोना शुरू कर दिया नाज़रीन, और ये आदमी बेचारा देखो किस, अल्लाह माफ़ करे, देखो आए हाय हाय ये आखिरी 10 सेकंड रह गए, इतना इतना प्यारा है माशाल्लाह से, जूते से मुंह बनवाया उसने और मुंह से फिर जो कुछ बचा उससे जूता बनवा लिया। बिल्कुल आखिरी 5 सेकंड रह गए, हम 5 सेकंड रह गए, दोनों देखना एक दूसरे को जहर देके मार देंगे और दुनिया से फानी हो जाएंगे। और ये लात अंगड़ी दी और मियां गिर पड़ा और बीवी जो है वो जीत गई, हमेशा बीवी जीतती है। क्या गेम रहा, ऐसे आप दिल से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं मुंह से, और मुंह से बोलता आदमी, अभी साइंस ने तरक्की नहीं की तो साइंसदान वाले ताजी तालियां बजाएं इनके लिए। वापस माशाल्लाह, मेरे क्या वर्जिश के लिए बुलाया मुझे। माशाल्लाह शुरू हुआ था एक फाइनल के तौर पे, एंड में घरेलू मसाइल लोगों के निकल आए, इसीलिए बहुत सारी तालियां शकील भाई के लिए जिन्होंने अलीना और असामा की शादी करा दी और तलाक भी, तलाक भी। मतलब आज सब कुछ हो गया। चलो जी अगला गेम जो है उस गेम का नाम है क्वेश्चंस। इसमें चारों प्लेयर्स खेलेंगे। अच्छा। और उसमें सिर्फ सवालों में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट हुआ या अगर ये लोग हिचकिचाए तो मैं करूंगा वो प्लेयर बाहर आएगा और दूसरा उसकी जगह पे जाएगा। तो कोई ऐसी जगह जहां पे लोग इंटरैक्ट करते हैं इन अ वेरी फन स्पिरिटेड वे, कॉफी शॉप फन स्पिरिटेड वे, पार्लियामेंट। अच्छा एक सेकेंड हाँ, क्लब और कार्निवल गार्डन और बर्थडे पार्टी। अच्छा एयरपोर्ट, चलो यार एयरपोर्ट पे लेने आए छोड़ने आए जो भी करना है एयरपोर्ट पे स्टार्ट करें, सवालों में बात करना है सिर्फ। अच्छा मैं लेने आया हूँ छोड़ने आया हूँ जैसा आपका दिल चाहे, सवालों में बस बात। मैं छोड़ने आया हूँ, ठीक है बिस्मिल्लाह। और मैं ऐसा छोड़ता नहीं हूँ लेकिन मैं छोड़ने आया हूँ, चले बिस्मिल्लाह। मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ और मैं बहुत बड़ा छोड़ू हूँ और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, अपनी शक्ल मत दिखाना आप खुदा के वास्ते, ये मुँह घर जाके उतार देना, मेरे को ये मुँह देखना ही नहीं है, बस अब जब देखना है मेरे को देख लिया अब दफना दो, बस उस वक्त देखना। अब्बा कहाँ है कब है, अम्मा से पूछा तुमने? अच्छा इसलिए आप बगल वाले घर में रहते हैं? हाँ बेटा तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम कैसे पैदा हुए हो, तुम्हारी माँ की मिन्नत की थी फिर वो मानी है फिर जाके तुम पैदा हुए, मन्नतों से हुए। अब आज बता रहे मुझे, आज बस तुम अब बड़े हो गए बेटा, मैं तुम्हें छोड़ना है एयरपोर्ट, अब तू भी आ जा तू कब छोड़ेगा। अच्छा शकील भाई जो है वो सीन चलाएंगे, जो दूसरे तीन है वो सवालों में बात करेंगे, उन्होंने अगर सवाल नहीं किया या हिचकिचाए तो मैं बेल बजाऊंगा और उन तीनों में से लोग चेंज होते जाएंगे, शकील भाई वहीं के वहीं रहेंगे और नॉर्मली सीन कर रहे होंगे। एयरपोर्ट का सीन है, बिस्मिल्लाह करें, आप छोड़ने हैं? मैं छोड़ने आया हूं। आप बिस्मिल्लाह करें, इनको मैं नहीं छोड़ रहा इनको। उन दोनों को मैंने छोड़ा, बहुत बहुत जल्दी छोड़ा था, इनके मुंह पे मैंने छोड़ा, इनके नाक के बाल जल गए। जाओ देखो तुम जा रही हो तो हफ्ते के हफ्ते सपने में आती रहना। मैं कौन से सपने में आऊँ? मेरे सपना लॉन में आ जाना, कोई मसला नहीं है। तुम जा रही हो देखो ठीक है, वहाँ पे जाना ना, तुम्हारी वो फुप्पी नहीं है जो काणी वाली, वो कौन सी फुप्पी है? वो जिसकी एक आँख पत्थर की जो 4 घंटे में नींद पूरी कर लेती है। अच्छा, जिसकी एक आँख खुली रहती है, चोर। अच्छा वो वाली फुप्पी, हाँ वाली फुप्पी जो वो जो एक आँख पत्थर की जो सोती है ना, जो एक आँख खुली थी, एक दफा चोरा था उसने गालियाँ दी थी कि हम चोरी करना है, ये मनु सो रही जाग रही पता नहीं लग रहा है, वो सारा सोना चुरा के ले गई थी, वो वाली। नहीं नहीं वो फुप्पी नहीं, ओ वो तो भागी थी तुम्हारी फुप्पी इसके साथ। आपको पता है किसकी? वो फुप्पी जो पूरे मोहल्ले की फुप्पी थी, ओ जो कुप्पी पीती थी।
आइए मेरे यहाँ बेटा वो अजान दे दिए अब आपने बचपन में किससे अजान दिलवाई थी मेरे कान में? कान में? हाँ। तुम्हारे कान में अजान? हाँ। पता नहीं दिलवाई थी, याद नहीं है मुझे। आप ही आपने जब तुम पैदा हुए थे ना, तुम पैदा हुए तो बाकायदा ऐलान हुआ था कि हजरत जिसका डर था वो हो गया है। अब आप अपने अपने घरों से बाहर आ जाओ, कोई मसला नहीं, हो गया ये। और तुम्हारी पैदाइश पे दाई को पैसे नहीं दिए थे, उसने कहा था बस अच्छे से साबुन से हाथ धुलवा दो मेरा बस। कितनी कितनी देर साफ किया उसने? और तुम्हारी पैदाइश में तो एक हफ्ते तक कमरे से धुआं निकलता रहा। लोग कह रहे बच्चा हुआ है, टायर जला के बैठ गए तुम लोग। बड़ा भाई मेरा? हाँ, ये तुम्हारा बड़ा भाई है और वो तुम्हारी अम्मी है। ये कैसी अम्मी है? बस ये बेटा रिवाइंड की हुई है मैंने। ये पहले बड़ी हो गई थी, फिर मैंने रिवाइंड किया उसको, पीछे ले आया मैं इसको। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि ऐसी हमारे लिए ढूंढते? बेटा मैं बाप हूँ, कोई ब्रोकर नहीं। अच्छा जनाब, तो ये आधे क्वेश्चंस का जो गेम था ये इधर उधर हो गया, क्वेश्चन इधर उधर हो गया, ये नहीं जबरदस्त हो गया। तालियां बजाएं शकील से देखिए भाई, जबरदस्त ये हो गया जी, बेहतरीन। अगला जो हम गेम खेलेंगे वो फिर गेम है सर, तीन और है। अच्छा माशाल्लाह। बस सुबह 7 बजे तक कर लेना, मैं वरना मैं चला जाऊंगा। बस तीन और है छोटे छोटे। अगला वाला जो गेम है छोटे छोटे कितने? ढाई ढाई साल वाले। कुछ गेम पैदा हो के मर नहीं सकते। चलो ये अगला गेम जो है वो है डबिंग। इसमें अगेन जो सीन होगा अच्छा, वो दो एक्टर करेंगे और उनकी आवाजें मैं निकालूंगा। एक एक की आप निकालेंगे, एक की सलमान साहब निकालेंगे। आवाज निकाल देता हूँ फिर बता दिया मैंने। आप डिसाइड करें, आपने ओसामा की डबिंग करनी है या अलीना की? अलीना की करूंगा। तो आप बेसिकली ये बताएं, एक जबरदस्त सिचुएशन जहां पे ओसामा और अलीना है, कहां फंस चुके हैं? लिफ्ट में फंस चुके हैं। ये अच्छा, लिफ्ट में फंस चुके हैं ओसामा और अलीना। ये अच्छा कहां है, ये उसकी तो मौजें लग गई। तो आइए शकील भाई, शकील भाई इधर आइए। तो अब ये फिर मुझे लिफ्ट में फंसाओ, छोड़ो। और आप लोग आंखें बंद कर लो बस। अब एक 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 ट्राई कर लेते हैं सलमान साहब और उसामा की। हाँ हाँ जी, मेरा नाम उसामा है, मैं जो है ना मैं यहाँ पे काम करता हूँ इंजीनियर। और अब अलीना के लिए डब कीजिए। जी सलाम अलैकुम जी, मैं बहुत फफे कुटनी हूँ। ठीक है जनाब, तो इसी ने इसी तरह सलमान और शकील भाई देंगे इनकी डबिंग, उसामा और अलीना खेलेंगे सही। अच्छा जी, आप कौन से फ्लोर पे जा रही हैं? मैं जा रही हूँ ना उस फ्लोर पे जिस फ्लोर पे ये मनहूस ना देखे मुझे। कौन सा मनहूस? कैसा मनहूस? अरे तू नजर नहीं आ रहा, जा शीशा देख ले मनहूस। अच्छा आप मुझे मनहूस कह रही हैं? मैं कहा मेरी अम्मा कहती हैं आज, आपने भी कह दिया, कोई बात नहीं। ये मैं इसकी ना इसकी मुंह बोली बीवी हूँ। ये मुंह से मुझे बीवी बोलता, मनहूस निका नहीं कर रहा है। देखो बहुत ही जालिम आदमी है, खंजर पर रोटी रख के देता मुझे। लिफ्ट फंस गई। ओए होए अल्लाह, मुझे मेरी इज्जत बचाना माबूद। अभी तो मुझे अपना दरिंदा है, दरिंदा दरिंदा ये दरिंदा है। देखे मैं दरिंदा दरिंदा नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। काय का लड़का है तू? आप तो क्या क्या आपने भी मेरी बचपन की तस्वीर देखी हुई है? बचपन की क्या, तेरी तस्वीर क्यों कौन देखा? तेरी तस्वीर तो चुड़ैले को बच्चों को दिखा के डराती हूँ मैं। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे जानता नहीं, पूरा मोहल्ला लूट के खा गई हूँ मैं। देखिए मैं मेरा नाम है अपना शहनीला फुर्तीली। तुम शहनीला फुर्तीली? हाँ माशाल्लाह, काफी दिनों से तलाश कर रहा हूँ। अरे मेरे पास तो आदमी आता पराड़ों पे, जाता साइकिल पे, बता दूं मैं इसीलिए आया हूँ। तुमने मेरे भाई के सारे पैसे लूट लिए। पैसे क्या, मैं तो डॉलर खाती हूँ डॉलर। मेरी बात नजर डोनाल्ड ट्रंप पे है, बस उसको लूट के खा जाओ मनु। ऐसा करो, मैं डोनाल्ड ट्रंप को जानता हूँ, अगर मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूं
ये पहुंचाने वाला भी काम करता है, लत कितने गंदे हो तुम। हमारे पास पैसा नहीं बचा तो कहीं से तो कमाना होगा। एक बात बता दूं, मेरे साथ लगना ही नहीं, पता है क्या, मैं मेरा अल्लाह का शुक्र है हर थाने में मेरी फोटो है। वही तो देख के आया हूं मैं तुम्हारी। शैनिला फुर्तीले ऐसे मेरा नाम नहीं, मैं तो फुर्ती, मैं तो पैद, दाई ने कहा था 27 को होगी, मैं 22 को हो गई। यह है मेरा फुर्तीलापन। मैंने नर्स को फेल कर दिया, उसने कहा 27 जून को, मैंने कहा नहीं 22 को आ गई दुनिया में। मुझे पता नहीं था फंसने का कोई रूल होता। चल दफा मनुष। अच्छा बच्चा ही नहीं है, ऐसा मत कहो। देखो जो बात लिफ्ट में हुई ना वो लिफ्ट में ही रखना। अच्छा सुनो, बात सुनो, तो मुझे जरा मेरी मदद कर सकते हो छोटी सी? तो वही तो कह रहा हूँ, इतनी देर से मदद करने के लिए 1.5 करोड़ का चेक बना के दे दो मुझे। ये लिफ्ट का मैं तार काट रहा हूँ। मैं पैसे खाती हूँ, मैं चीजें नहीं खाती हूँ बस। तुमने दिमाग भी खा लिया मेरा पूरा। लिफ्ट का तार काटा ना, अगर तार काटा ना मैं तेरे गर्दन काट दूंगी। मैं काट रहा हूँ। तो हैनक कैसे बनेगा मनुष, बगैर हैनक के कैसा लगेगा? मुझे मार दो, कितना बुरा मरा मनुष, मरना भी नहीं आता। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ना किसी की इज्जत यहाँ पे महफूज है ना जिंदगी। ये है हमारा कॉमेडी अड्डा का शो। यार तुम बहुत अच्छा मरे हो। तालियां बजाओ सालों के मरने के लिए। अच्छा जनाब, अगला गेम जो है, दो रह गए। अबे चल बे, मुसलमान हूँ, एक जबान पे कायम रहूंगा, दो रह गए। इसीलिए तो मान नहीं मान रहा हूँ मैं तो। अगला गेम जो है वो है पोस्ट इट नोट्स। ये गेम खेलेंगे मैं, शकील और सलमान। तो इसमें हमने ऑडियंस से कुछ नोट्स लिखवाए हैं, वो हम अपनी जेब में डालेंगे। वक्तन फवक्तन सीन एक्ट करते हुए हम इन नोट्स को बाहर निकालेंगे और उस पर जो भी होगा वो हम पढ़ देंगे। ठीक है, तो कोई एक ऐसी सिचुएशन बताएं जहां हम तीनों, जहां पे हम लोग तीनों बैठ गए ना, हमें सलोन हो चुका है, ढाबा ढाबा चाय से था। वो क्या कह रही, कौन सा दर्जी के पास? ही आपने दर्जी के पास, दर्जी के पास। चलो बेटा दर्जी के पास एक दफा वाकया याद आ गया, आ जाइए सुना दीजिए। आप उधर से ही शुरू कीजिए। वाकया इसी का है। वहाँ दर्जी के दुकान पे ना चांद रात को लोग गालियां दे रहे थे, दर्जी भाग गया था सबके कपड़ा। सुबह क्यों रो रहे, क्यों गालियां दे रहे हो? कह रहा मेरा कोई शलवार कमीज है, कोई पैंट शर्ट, ये ज्यादा चीख रहा था। मेरा तेरा क्या लगा? मेरा नाप लेके भागा। जनाब इसी बात पे सीन शुरू करेंगे सलमान और शकील भाई, और गेम का नाम है पोस्ट इट नोट्स। हम सीन करेंगे और वक्तन फवक्तन नोट्स निकालेंगे और उस पे जो होगा पढ़ेंगे। आपकी भरपूर तालियों में, सीन स्टार्ट करते हैं। हां शकील भाई, बड़े दिन बाद आए हैं आप। हां क्या काट रहे हो? कपड़े काट रहा हूं। अच्छा गर्दन काट दो, गर्दन। शकील भाई मजाक बड़ा करते हैं। दिन दिन में कम से कम 200 गर्दन तो काटते होगे, 200 गले काटते होगे। हाँ शकील भाई, है ना, जेब भी काटते हो, कितने गंदे हो तुम यार। शकील भाई चलानी, दुकान तो चलानी है, दुकान चलानी है, वो पैसे भूल जाते हैं। पेट्रोल डाल, तू दुकान चलानी है तो जरूर कपड़े काटते हैं। इंश्योरेंस नहीं है ना? और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है शकील भाई। कल आया क्या, दिखाओ। बस ये आपके लिए वो भाई ने मैसेज छोड़ा था कि कराची से अंदरूनी लोग अपने में ईद मनाने जा रहे हैं। कराची से अंदरूनी सिंध, अंदरूनी सिंध में ईद लोग मना रहे हैं। नहीं होता अंदरूने सिंध, अंदरूनी, अंदरूनी वो जबान कटी हुई है ना, दर्जी पे हो ना तुम। हाँ उर्दू नहीं सीखी। दर्जी से दर्जी कपड़े बचाने में, मातुन लोग बड़े माहिर होते कपड़े बचाने में, अल्लाह माफ करे। और पता क्या कैसे बचाते हैं, कोई आगे दे, मेरी नाप नहीं लेना बता। कपड़े बचाने में इतने माहिर होते हैं आप, उस पर ड्यूटी लगा दें। बड़ा मशहूर वाक्य है कि दर्जी को चैलेंज कर, चुरा नहीं सकता। बोला अच्छा नहीं चुरा सकता, बस वो बच्चे को सिखा के आ गया घर पे। बच्चा कह रहा अब्बा पैसे दो, उससे पहले से उसके कपड़े जूते में डाला। मनुष के बच्चे कहा के पैसे? वो बोले गया जूता, से कपड़ा निकाला, घर चला गया। यार मुझे ये तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। हाँ कैसे, क्या चाय फेंक दी आपके कपड़े पे? क्या किया आपको पता है? मैं इसके बनाए हुए कपड़े पहन के एक दावत में गया, क्या और वहां लोगों ने मुझे क्या कहा? क्या कहा? चुन चुन के मुझे कहा मेरे घर में पानी खत्म हो गया। उनको लगा मैं नहा कर नहीं आया, इतने बदबूदार कपड़े दे दिए थे इसने। तो मैंने काटने के लिए ना, धोने के थोड़ी किए। नहा कितने का, कितने से नहा लोगे? आदमी कुल्ली कर रहा वहीं बैठ जाओ नहा लोगे। शकील भाई,
शकील भाई की बातों में ना आना है। ये एक मिनट मेरे साथ क्या क्या तुम लोगों ने जालिमों चप्पल से मारूं यही लिखा मैं पूरा करूंगा। चप्पल पहनी होगी चप्पल से याद आया चप्पल से जब भी इसको नया चप्पल लेना होता ना जुम्मे की नमाज पढ़ने चलाया था मनुष्य। सही बात है इसीलिए मस्जिद के बाहर लोगों ने लिख दिया है इसको तो नौकरी भी मिल क्या लिख दिया एंड में तो फुप्पी की बेटी ही मिलती है ना वहीं से तू चप्पल चुराता है और वहीं मैंने को बोला इसको नौकरी कर ले मेरे पास तेरे को 50,000 रुपए मैंने दूंगा करा काम क्या मैंने कुछ नहीं बस मस्जिद से चप्पल उठा मेरी दुकान पर रख। हाँ चप्पलों की दुकान है ना मतलब इसके साथ साथ वो काम लेकिन हुआ क्या मैं चप्पल उठाने गया था वहां हुआ कि कश्मीर की आजादी तक इधर बंद है मस्जिद बंद थी करे जब तक वो मस्जिद ही बंद है उधार बंद है सब बंद है कश्मीर की आजादी तक उधार को इधर कह रहा है इधर जी इधर उधार था ना तुम लोगों के इन हरकतों के वजह से ना मैं क्या बताऊं अपना टाइम आएगा यही लिखा मैंने बिल्कुल सही ये लिखा किसने एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी जिंदगी बदलने से याद आया आज खाने में क्या है। शकील भाई बस करे आई वॉन्ट टू हैव कॉफी विद करण इसके साथ नहीं करना शो ये लिखा हुआ इसके साथ आई वॉन्ट टू हैव कॉफी विद करण ये करण जौहर के पीछे जा रहे करण जौहर तुम्हारे शौक कोई अलग लग रहे हैं मुझे लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा आज का आखिरी गेम उस गेम का नाम है ईद मिलन पार्टी 2019 इसमें शकील भाई जो हैं वो एक पार्टी होस्ट कर रहे हैं और इनके पास आएंगे तीन मेहमान वो तीन मेहमान होंगे मैं सलमान और ओसामा। अलीना क्यों नहीं आ रही है चारों चारों आ रहे तो शकील भाई को हम भेजेंगे बैक स्टेज और हम ऑडियंस से लेंगे चार कैरेक्टर्स जो हम चारों को दिए जाएंगे और फिर सीन करते हुए शकील भाई ने गैस करना है कि हम चारों के कौन से कैरेक्टर्स हैं गैस करना है गैस तो आपके बराबर वाले को हो रही है शक्ल पे देखिए उसकी मैं नहीं वो ये मुझे भी लग रहा था इतने देर से मिस कॉल यही मार रहा तो शकील को कहा मिस कॉल मार रहा हूँ कहता है आपको कौन सी रोमिंग पड़ेगी उठा लो शकील भाई को बैक स्टेज ले जाएं अलीना आप ले जाएं वापस आइए ले जाओ और दरवाजा दिखाओ बाहर का सामान लेके जा रहे ताकि आप वापस आए ना वरना नहीं आएंगे चल अलीना ले जाती है आई आई नहीं मेरे पे पहले एतबार नहीं था तुमने तुम्हारे जहन में था कि मैं लड़की जो है ना भगा के ले जाऊंगा हालांकि उसका जहन बन रहा तुम लोग रोक रहे एक क्रिकेटर जो कि स्पीच की तैयारियां कर रहा है और अलग अलग क्रिकेटर्स के उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है तो इमरान खान भी बन जाएगा इंजमाम भी बन जाएगा कुछ भी बन ये है सियासतदान जो कि तकरीर के लिए या कैंपेन वोट लेने आया हूं वोट लेना है ठरकी दोस्त और अलीना को है शॉर्ट टर्म मेमोरी फेमस पाकिस्तानी नहीं सेलिब्रिटी ठीक है तो मैं लेकर आता हूं शकील को फिर मैं अलीना को लेकर जाऊंगा उनको उनका कैरेक्टर बताऊंगा और गेम स्टार्ट करेंगे। ये साउथ इंडियन ठड़की है भाई वो ठड़की क्या वो ठड़की यूनिवर्सल होता है कुछ भी बन सकता है ठड़की ना आपकी भरपूर तालियों में शकील से देखे इस सीट पे मैंने कपड़े नहीं बनवाए टोपी बनवा ली मैंने। अच्छा शकील भाई जब भी आप घंटी की आवाज सुनेंगे ऐसे डोबेल हाँ गूंगा है तो जब भी ये होगा तो आप आइएगा दरवाजा खोलिएगा और एक एक करके हम अंदर आएंगे। मैंने वो वाला लगवाया वा, कुत्ते वाला लगवाया वो निकलवा यार तू आके आवाज निकाल ले फिर कौन चले बिस्मिल्लाह करते हैं ईद मिलन पार्टी 2019 चारों कैरेक्टर्स आपको पता है इनको नहीं पता सीन शुरू करेंगे तालियों में बार हमारे घर में घुस के बल्ले बजाते रहो मैं नहीं खोलूंगा जाते बजाएगा
अरे बाद में घंटी माशाल्लाह कैसे हैं? अरे यार बहुत शुक्रिया सब ठीक है। कौन है आप? अरे पुराना दोस्त, क्या हाल है? कैसे हैं? तुम्हारे बच्चे बच्चे तो नहीं लाए इतने दिन? बच्चे तुम्हारे हैं 18 बच्चे। ईदी दे के थक जाता हूँ। इस बार ईदी नहीं मांगने आया हूँ। तो क्या आटा मांगने आया? पैसे नहीं, पैसे ही मांगने आया हूँ। अरे काम चलाना है ना। कैसे ठीक हो ना? हाँ सब ठीक। और सुनाओ, और अब बताएं आपकी कोई मदद कर सकूं मैं? भाभी वापिस आ गई है? भाभी कौन सी वाली? वो गई थी ना उमरा करने। अरे वो तो गई गई बड़ा करने गई ना गई, वो तो उतने में दूसरी आ गई, लेकिन बताने नहीं पब्लिक में आ गया तो मर जाऊंगा। हाँ यार माशाल्लाह तुम तो दुनिया में औरतें खत्म करने उतर। अरे मेरा तो दोस्त और है कोई यार। अरे क्या हाल है अपना अपना खजूर? ये छेड़खाने वाला नाम है इसका। अच्छा, नाम खजूर नहीं है वैसे, क्या इसका नाम? बिज्जू है। बिज्जू मैं बिज्जू अब्रा। आई लाइक टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह फॉर बॉयज प्ले वेरी वेरी वेल। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ जी जरूर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ ये इनसे मिलाए ना आप कभी आए? अरे आपके तो जुबान बाहर आ गई गर्मी की वजह से। और आप ठीक है? गर्मी तो बहुत थी, उसकी वजह से जो है वो स्विंग जो है वो कम था, इसीलिए हमने कोशिश की मगर कुछ हो के नहीं गया। अच्छा माशाल्लाह। आप क्या शार्पनर से शेप बनाते हैं, क्या करते हैं? आपका मुँह ऐसा चवनी जैसा मुँह है आपका। देखे जी, जो मैंने टीम उतारी थी ना, हाँ, वो टीम तो बहुत टाइगर्स वाली थी। अच्छा, अचानक से फिर ऐसे लोग निकल आए। अच्छा, क्या हाल है भाई आपके? ठीक मैं ठीक हूँ। देखिए कब यहाँ आपके पास कपड़ा मकान है? मेरे मेहमान आ रहे हैं, मैं दूंगा। एक मिनट बकवास बंद करो यार। अस्सलाम। ओ यार तुम वोट मांगने आए हो? बस हेलो 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 तुम लोग अपने घर जाओ। अलीना मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मुझे पैक कर, मुझे ना मुझे पैक करके इसको दे दो। अच्छा। ये घर ले जाएगी। आप एक बार वादा करें मैं सब काम करवा दूंगा आपके। कैसे अलीना ठीक हो? सॉरी सॉरी अब कौन है? मैं यहाँ कैसे आई हूँ? अच्छा जी अब देखिए आप लोग मेरी मदद करें तो मैं ऐसे हाल खत्म कर दूंगा, एक नया नया मुल्क बनाएंगे हम लोग। नया क्या बनाओगे? मुल्क। अच्छा पुराना वाला भेज दे फिर। हाँ अरे मैं सुनो कितनी बड़ी पार्टी है। मैं पिच पे थलावा। कैसे हो शकील भाई? ये शकील भाई वाटर पार्क भी नहीं आते हो अब? हाँ तुम पार्टीज में भी नहीं आते हो अब शकील भाई? मैं पहले कब जाता था? यही तो प्रॉब्लम है शकील भाई। आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लें, मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक बार आपने मुझे तुम्हारे क्या डांस पार्टी है क्या उनसे पार्टी है? ऐसी बातें ना करें, लोग पब्लिक मारेगी। हाँ। नहीं नहीं हमारी पार्टी में तो मैं हूं। लेडीज हैं शकील भाई है? बहुत सारी लेडीज हैं। अरे क्या मतलब है, तोल के बेचते हैं क्या? वो वोट डालने की उम्र पहुंच चुकी है, मुझे ले जाओ यार। तुम लोग मेरे साथ आपस में कोई बात नहीं करेगा, मेरे घर में आपस में कोई बात नहीं करेगा। अच्छा तो ये आपका घर है? नहीं मेरा ये होम है। ओ, आपका होम है। हाँ, आप क्या बाल इस्त्री करा के आएंगे कहाँ से? आपको देख कैसा लगता है, कोई इस्त्री वाला सांप खड़ा हो गया। शकील भाई देखें आप अगर मेरी केक खा रहा हूँ मैं। हैं? केक केक खा रहा है। तुम्हें मैं और खिलाऊंगा, तुम आप लोग समझा करिए, मैं खिलाने के लिए बहुत तैयार हूँ। पहले हम लोग पावर में तो आए, फिर मैं सब खाएंगे मिलके। सब खाएंगे जी, मुलुक खा जाएंगे। तो, हाँ खा के नया बनाएंगे ना। आधा तो 71 में खा गए। हाँ अब आधा रह गया, उस पर झगड़ा चल रहा है। कोई बात नहीं, हाँ खाओ खाओ खाओ, लेकिन खत्म नहीं होगा, हैजा हो जाएगा, ये मुल्क खत्म नहीं होगा। आओ ये हमारा वादा होगा, खत्म नहीं होगा। खत्म हम नहीं होने देंगे ना, तू तो करना चाह रहा है। तुझे तो मैं पहचान गया, तू सियासतदान है। जी जी बिल्कुल मैं जा रहा हूँ फिर। और क्या हाल है, कैसी हो मीरा जी? हम पहले मिले हैं। हाँ जी मिले हैं, एक दफा मिले थे, मुंह पे हमारे मोजा पहना हुआ था हम लोगों ने। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आपका घर है? नहीं नहीं तुम्हें ये सीमेंट और बजरी का घर है ये। क्या हाल है इंजमाम भाई? क्या हाल है, तुम क्या कर रहे थे? मैं पार्टी कर रहा था, मैं डांसिंग कर रहा था। वो डांसिंग कर रहा है बिलावल भुट्टू? चलेगा। मीरा 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 या वीना? मीरा या वीना मलिक, दो में से एक। मीरा 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 ऐसे नहीं बोलती, ओह माय गॉड मेरे 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 घुटने में बहुत हेडेक हो रही है। मैं किसी मीरा को तो नहीं जानती, मगर मैं यहाँ कैसे पहुंची और आप कौन हैं? अच्छा अभी तक तुम डिस्क्लोज नहीं हुई हो तुम्हें?
मैं कौन हूँ? मुझे तुम्हार... समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसे पहुंची। बस तुम्हें कोई चिड़िया छोड़ गया चोंच में दबा के यहाँ पे। तो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, आप कौन है? अबे कहीं छापे ना पड़वा दिए। ये भूलती रहती है। अभी नहीं सर, एक मिनट और। दोबारा आने के पैसे लूंगा मैं, ठीक है? कोई मसला नहीं है। अंकल आपका पेड़ गिर रहा है। कहाँ जा रहे हो? अबे भाई अपने घर जा रहा है। तेरे घर जा रहा है क्या? अंकल जब कमरे में आते हैं इनका पहले पेट आता है, एक मिनट बाद मुंह आता है। मुझे मारूफ तू बाहर मिल, मशहूर मारूफ तू बाहर मिल। ये 50 मिनट का शो है। आप 50 मिनट का क्या क्या आए? चलो जी आखिरी गेम। 2-3 दफा 50 मिनट का है। देखो आज का होस्ट टोपी के नीचे आ गया। थैंक यू वेरी मच। तीनों को कब से पहना रहा हूं। शुक्रिया अदा कर दूंगा आप लोगों ने, बहुत एंजॉय किया आप लोगों ने, खुल के हंसे माशाल्लाह से। और हंसना चाहिए क्योंकि इस दौर में इतनी टेंशन हो गई है कि आदमी को ख्वाब में भी आप डरावने ख्वाब ही आते हैं। पहले तो कभी अच्छे ख्वाब आ जाते थे, अब ख्वाब भी डरावने आ रहे हैं माशाल्लाह से, ऐसा हो गया। और गरीब आदमी के लिए ख्वाब में आता ही यही है, चचा का एक्सीडेंट हो गया, मवानी के दांत निकल गए। गरीब आदमी के ख्वाब ये है ना, फुंसी निकल आई, फोड़े निकल आए, अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग बहुत इन्जॉय किया आप लोगों ने, आप लोगों को अच्छा लगा आप लोग बता दीजिए। और हमारी कोशिश होती है ज़िंदगी भर यही काम करते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अपना असद, अपना अलीना, सलमान, अपना उसामा और मारूफ का बहुत शुक्रिया, मुझे याद रखा और उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है ये ARY है, तो ARY तो मेरे घर का चैनल है। हमने पूरा सीज़न किया, इतना मज़ा हम लोगों को, पूरा सीज़न है। बहुत शुक्रिया। पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे, बीच में डायलॉग भूल गए, स्क्रिप्ट भूल गए, मतलब सब आउट। बस घर का रास्ता याद रखना, किसी और के घर में घुसे यहाँ बहुत मार पड़ेगी, बता दीजिए दुबई। थैंक यू वेरी मच। Dun 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 in the city of Karachi. Dun 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 where darkness has spread through the land. Dun 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 our dark night shall come forth and shine light. Alfred, generator chalao. This winter, Batman will face many problems. Haan, Batman, wo ghar mein paani nahi tha, toh Mr. Freeze mar gaya. Starring a little Pathan boy as Robin, Batman, khuchi ko gaon jaane. Starring Mathira as Catwoman, meow! Meow, meow! Very good. There's an old bad guy still clinging on to power named Mr. Z. Riddle me this, Batman. I'm the richest man in Pakistan, but I'm only 10%. Who am I? The Batmobile has many modifications. Saab,
Why can't the Batmobile keep up with Mr. Z's car? Gaadi CNG par hai. Damn it! Turn on the turbo. AC band kar lete hain, ek hi baat hai. Witness for the first time, Batman is forced to question his own morality. Alfred, maine drug lord ka hideout dhoond liya hai using the supercomputer in the Batmobile. I need you to go around back, create a diversion and... Ek second sabr karo. Beta, maaf karo, paise nahi hai, jao kaam. पैसे नहीं है, माफ करो, जाओ जाओ, शीशे नहीं साफ करो, शीशे नहीं साफ, नहीं नहीं नहीं, शीशे नहीं साफ करो, शीशे नहीं साफ, नो नो, वाइपर नीचे करो, वाइपर नीचे करो, मैं बैटमैन हूँ. इज ही पाकिस्तानी? ओ तेरी खैर है, एक्सेंट तेरा सीएनएन, मुंह तेरा दूरदर्शन. जरा कनेक्शन मिला के बैठा है भाई. ओ भाई, उसको इज्जत दें, डाइवर्सिटी दे हमारे में, तो उसको उसकी बजाने के लिए बुलाया है. ये डाइवर्सिटी के लिए बुलाया है कि इसलिए बुलाया है कि बाकियों को नजर ना लगे. क्लियर कर दे, अगर मेरे पे बिजली गिरी ना आसमानी, मैं सारे ना पांडे चवार दे. यू नो आई डिड दिस दिस टाइम, वेंट थ्रू द स्कैनर, वॉकिंग थ्रू लाइक पिप, सर प्लीज टेक ऑफ योर जैकेट. आई वाज लाइक ओके, आई वेंट बैक, took off my jacket, had to go through the scanner again, pip, sir, please take off your shoes. I went back, took off my shoes, go through again, pip, sir, please take off your belt. I don't know why they have a scanner you should need to walk through. They should just have a pole. Play some music. Pow chicka chicka pow, pip, sir, please take off your jacket. Pow chicka chicka pow pow, sir, please take off your belt. Make it more interesting for the other people in line. तुम ये बताओ कि यहाँ पे survive कैसे करते हैं? So what you do is you shoot the birds, you shoot them down, and then you what? Then you catch them with the little flippity flip, and I'm gonna move my lips because I'm still talking. And and then you walk around and you just live. You just live off the land like back in the day. चुप करो, मुझे कुछ समझ आया. तुम आधी इंसान हो आधी मुर्गी. मेरे बच्चे को ढूंढो. एक का नाम है आरिफ, एक का नाम है आरिफ. आरिफ 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 आरिफ. अच्छा, जिंदगी में हु वुड यू लाइक टू टेक ऑन अ डेट? डेट पर? डेट पर? हाँ, ये तो पर्सनल क्वेश्चन है. तो कोई नहीं, आज पब्लिक बना देते. अच्छा अच्छा, डेट पर आराम से अब्बा जी का दिल टूटेगा. अच्छा प्लीज, आप अच्छा नहीं लगता, आप अब्बा जी भी कह रहे हैं और उसके बाद आप बेसिकली वो ये कहना चाह रही है, चुप रहे यार थोड़ी देर के लिए, रैपिड फायर उनका है. जी बताइए मीरा जी. वो एक अब्बा जी और डिसरिस्पेक्ट करना, मैं उनकी बेटी की नाज़रीन, ये इंडिया पाकिस्तान के फाइनल में भी हुआ था सन 2012 में, खून हम खून हो गया था उधर. 2018 में भी हुआ था. अरे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ट्विटर में हमने देखा था आपने, उस पे कमेंट की थी. हां जी, मेरा जी ने ट्वीट भी किया था 2018 में जब ये हुआ था. स्कूल में हमारे एक वडेरे के बेटियां पढ़ती थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप ले दें, कोई नहीं, ये शो पे सब ओपन है. अच्छा ओपन है, नाम ले लेना चाहिए ना, बिल्कुल ले देना. हाँ हाँ, हमें तो यही रहना है. हाँ हाँ, यही तो है आपको, यहाँ रहना, मुझे अंडरपास से वापस आना. आई विल कीप द नेम डिस्क्लोज अनडिस्क्लोज, बट हाँ, तो वडेरी की बेटियाँ थी और उनको कोई भी देखता था ना ऐसे गलती से भी, यूं यूं बस यूं देख लिया ना, वो छुट्टी टाइम में पिटेगा. वो गार्ड आएगा स्पेशली के गफूर कौन है, 6B, 6B, क्लास 6B वाला कौन है? वो गफूर आता है, जी बॉस. तो हम फिर चिप्स खाते थे, देखते थे कि चलो आज आज फड्डा हो. बचाया क्यों नहीं? काम अपनी बचाए या उसको बचाए? पहली रात पे क्या नहीं कहना चाहिए? पहली रात शादी की, पहली रात या शादी की पहली रात पे क्या नहीं कहना चाहिए? मुझे मम्मी की याद आ रही है, फेस टाइम कर ले. मुझे आता है, मुझे आता है. अरे गलत वाली बहन से कर दी है.
इस वक्त दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं, इतने मसले मसाइल हैं कि कल का किसी को भी नहीं पता। यूरोप जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर परेशान है, मिडल ईस्ट जो है वो अमेरिका के साथ जंग के लिए परेशान है, अफ्रीका जो है वो गुर्बत के लिए परेशान है, और पूरा पाकिस्तान इस बात के लिए परेशान है कि मेरे पास तुम हमें दानिश की शादी होगी किससे, उससे होगी या उससे होगी। बट जब तक ये एपिसोड एयर होगा शायद दानिश अपनी तीसरी शादी की तैयारियां कर रहा होगा और एक सीक्वल बनेगा मेरे पास तुम सब हो। आपको क्या बताऊं, ये जो बीच में होती है ना डोमेस्टिक, और ये होगी फर्स्ट क्लास, फिर होगी क्लब, सब कुछ जम करके मैं आया हूं। मैं स्ट्रीट क्रिकेट से आया हूं जना। स्ट्रीट क्रिकेट में क्या रिकॉर्ड्स बनाए आपके भाई ने, लगातार रिकॉर्ड्स। स्ट्रीट क्रिकेट में 375 का रिकॉर्ड है मेरा। 375 सेंचुरीज नहीं, 375 नालियों में से गेंद निकाले थे मैंने। आपको मैं क्या बताऊं, आप चीज पे क्लैप नहीं होनी चाहिए। पहले मुझे ये बताओ क्या गटर से बॉल निकाले भाई, वाह मुझे क्या गटर आ रहा है इसे, आप नाली में घुसे कैसे? वो नाला होगा, नाला होगा। इजी ले रहे हैं आप, वो बस देखें इतना लेवल था कि जब तक मैं जाता नहीं था मैच नहीं शुरू करते थे लोग कि यार नाली में गेंद चलेगी कौन निकाले। बॉय को बुला, तो बॉय जाता था फिर। या आपके स्कूल में तो नहीं पढ़ते थे? फॉर बॉयज, बॉयज। मैं बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बैक स्टेज ही पता चल गया था कि कोई स्पोर्ट्समैन हमारा क्रिकेटर आ रहा है, क्योंकि पीछे निहारी की स्मेल आ रही है, पिज्जा पिज्जा की स्मेल आ रही है। मैंने कहा ये कोई फिट आदमी आया आज, फिट आदमी, फिट पार्ट, फिट पार्ट। ये बताएं कि आप वैसे खेलते क्या है, वनडे टेस्ट क्रिकेट? देखिए हम जो 11 बॉयज हैं ना, हम टेस्ट खेलते हैं ना हम वनडे खेलते हैं, हम पूरी कौम की भावनाओं से खेलते हैं। तो और अगर हसन अली या शुएब मलिक जैसा कोई पीस निकल आए ना तो पड़ोसी मुल्क से एक भावना भी मिल जाती है। तो आप भी कोई भावना लाएं, देखें वसीम भाई गोरी भावना लाए, वो हसन अली इंडिया से भावना लाए, तो आप युगांडा जाएं क्योंकि वो थोड़ा नया आएगा ना, युगांडा से, युगांडा से, युगांडा से एक भाभी होनी चाहिए। कबूल है भाई। I'm from Sri Lanka. You are still paying us to tour Pakistan. चलो मैं भी चिट्टा रहना टूंगा ही लग रहा है। मैं जो याद आया सोशल सर्विस, तो हम येला ब्रॉयज जो है ना अपनी पूरी क्रिकेट टीम, हाँ, बहुत सोशल सर्विस करती है, हर मुल्क में जाके उसकी मुल्क की टीम का ऐसा मोराल सर बुलंद करते हैं। हम जो ये एक्स क्रिकेटर अब यूट्यूबर क्यों बनते जा रहे हैं, हम शुरू से ही एक्टर हैं। शुरू से ही प्रैंकस्टर है। ये आजकल के यूट्यूबर क्या होंगे जो हम प्रैंक करते हैं, हम जीता हुआ मैच हरा के पूरी कॉम को कहते हैं वो कैमरा लगे हाथ ला दे। थैंक यू वेरी मच अली, मुझे एक सवाल आ रहा है बड़ी जोर से, बहुत जोर से सवाल, जोर से सवाल ही आ रहा है, पीछे पीछे हो जाओ सारे, मनु मुझे सवाल आने लगे। अच्छा यार मैंने ना बड़ी जोर से मेरी चीज फंसी हुई थी, मैंने कहा यार निकाल ही दूं आपसे पूछ के, बस तमीज के दायरे में। हाँ जी, वो मैंने ये पूछना था, आपका जो गाना है ना वो डेरे का बेटा, उसमें आप लाइन मारते हैं कि जी अमीर मैं इतना के पाद में निकले पैसा, बिल्कुल, तो ऐसी मखसूस जगह पे एटीएम फिट कैसे कराई? भाई मैंने नहीं सैंक्शन किया ये सवाल, नहीं सर एटीएम क्या, मैं पूरी बैंक है, पूरी बैंक है, कभी डाका तो नहीं पड़ा? नहीं